हम अक्सर जब किसी वेंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। उसके अंदर जितने पैसे डाले जाते हैं उसी हिसाब से सामान बाहर निकलता है। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि आप नकली पैसे डालें और उसके अंदर से असली सामान निकल आए? तो चलिए पता लगाते हैं AVM यानी कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के मैकेनिज्म के बारे में। जब भी मशीन के अंदर पैसे डाले जाते हैं तो वो एक इंफ्रारेड लाइट से होकर गुजरता है और वो लाइट कॉइन के साइज को सेंस कर लेती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि कितने रुपए का सिक्का डाला गया है। जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो पर्टिकुलर सामान जिसके ऊपर आपने क्लिक करा होगा उसके पीछे एक सर्कुलर रिंग को घुमा करके आगे पुश करती है, जिससे वो सामान नीचे गिर जाता है और वो सामान भी इंफ्रारेड रे से ट्रैक किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ सामान नीचे जा चुका है। और अगर वो नहीं जाता है तो फिर दोबारा उस सर्कुलर रिंग को पुश करा जाता है जिससे कि सामान नीचे गिर जाए। तो बाय चांस वो इंफ्रारेड रे खराब हो जाए तो आपको बहुत सारा सामान मिल सकता है क्योंकि मशीन उसे सेंस नहीं कर पाएगी। वीडियो को लाइक कर दो, खाना खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना।